कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और क्या माइनस साइन ए इंटू साइन बी. कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. अब इससे एक और बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है, बहुत अच्छा, जो आपके बहुत काम का है. वो चार छह फॉर्मूले जो हैं आप याद कर लो, बहुत काम में आएंगे. क्या है वो फॉर्मूला? जैसे आपसे बोला गया कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस टू थीटा. क्या फीलिंग आ रही भाई? कॉस थीटा प्लस थीटा रिप्लेस करो तो बच्चों यहाँ पे कॉस ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, तो ये बन गया कॉस टू थीटा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा. तो एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला हमारा आ गया बच्चों, लिखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब इससे कुछ कन्वर्जन करके नए नए फॉर्मूले निकालेंगे, इसे कुछ कन्वर्जन करके नए नए फॉर्मूले निकालेंगे. सर इंक नहीं में, ठीक, तो कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब इसमें आपको लिख दिया जाए कॉस टू ए, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस टू एक्स. अभी यार ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, है ना, आधा डाल लो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, क्लियर हुआ बच्चों, है ना. कल आप आए नहीं थे, जहां पे दिक्कत तो पूछना, ठीक है ना. तो कॉस टू थीटा कैसे किया, ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, ए के प्लेस पे थीटा, बी के प्लेस पे भी थीटा. सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे भी ए की जगह भी थीटा, बी की जगह पे भी थीटा. सो इन द प्लेस ऑफ थीटा थीटा सो इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा. डन, फिनिश. अब देखो इससे तीन नए फॉर्मूले बनते हैं, वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा काम के हैं. वो कैसे हैं? हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, इसको पकड़ लो ये, क्योंकि या तो मैं एंगल थीटा पे खेलूंगा, या तो मैं एंगल ए पे खेलूंगा, या तो मैं एंगल एक्स पे खेलूंगा. एक साथ में तीनों एंगल पे तो खेल नहीं सकता हूं ना, तो मैं एक एंगल पे एट ए टाइम खेलूंगा. तो कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब इसको सॉल्व करता हूं, देखो मेरे पास एक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, होती है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है वो यहां पे लाके पुट कर दो, तो देखो क्या होगा, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो इट बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. बच्चों नोट करो ये आपको बहुत काम में आएगा, ये फॉर्मूला कई जगह लगेगा, ये फिजिक्स वाले बच्चों को भी, मैथ बायो दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा काम में आएगा. टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. अब एक काम करो, इसको आप लोग साइन में कन्वर्ट करके दिखाओ, यही फॉर्मूला है ना cos 2 theta का, इसको साइन में कन्वर्ट करके दिखाओ, यही अप्रोच लगाओ और साइन में कन्वर्ट करके दिखाओ. वेरी गुड, बिल्कुल सही, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बताया इन्होंने. इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बताया आपने. देखिए कैसे लाए इन्होंने भाई, ईयरली हमारे पास ये रिजल्ट तो था ही, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा इसको साइन में बदलो,
तो कॉस टू थीटा आपको समझ में आ गया। अच्छा सर साइन में बदलना मतलब इस कॉस को गायब करना पड़ेगा, तो इस कॉस को कैसे गायब करोगे, कॉस को रोक लो तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस को रोक लो सो कॉस स्क्वायर थीटा बिकम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना, साइन को इधर ले गए तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ यहाँ पे पुट कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। सो आंसर लिखो कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला। तो देखिए दो फॉर्मूले बन गए, एक बन गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और एक बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला कॉस का कॉस के टर्म में है और ये फॉर्मूला कॉस का साइन के टर्म में है, ठीक है ना, और दोनों डबल एंगल है, दोनों टू थीटा वाले हैं, दोनों टू थीटा वाले हैं, ठीक है ना, दोनों टू थीटा वाले हैं। कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछो। क्रिश समझ में आ रहा है? यस सर। ओके So, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसका थोड़ा सा यूज है, इसका थोड़ा सा दूसरे टाइप का यूज है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको याद कैसे करोगे आप, इसको थोड़ा सा सिंपली 5a में लिखूंगा ना आपको, तो आपको थोड़ा ये याद हो जाएगा। अभी ऐसे याद करोगे cos 2 थीटा तो याद रखना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में मैं याद करना सिखाता हूँ कि अगर आप इसको याद करना चाहते तो कैसे याद करोगे। इसको अगर अब याद करने की बात करो तो एक काम करो, वन को इधर लेके आओ, तो वन को इधर लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या बच गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए तो वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। और एक काम करो कॉस टू थीटा को यहां लेके जाओ इस तरफ, तो यहां प्लस है यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये कितना आसान है याद करना, इसको बोले 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे बेटर है ना, इससे इजी है ना, ये है यही चीज है ना, बट ये आराम से याद हो रहा है। और ये फॉर्मूले मैथ्स में इतने ज्यादा यूज होते हैं मैथ्स और बायो वालों को, इसको मैं बोलता हूँ हार्ट फॉर्मूले, ये नोटेशन मैंने इन्हीं को नाम दिया है, इतने ज्यादा यूज होते हैं कि हार्ट के जैसे हैं फिजिक्स के, समझ गए ना, ऑलमोस्ट हर जगह यूज होंगे, दैट्स व्हाई इनका मैंने नाम दे दिया हार्ट फॉर्मूला, ठीक है। सो वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। चलो एक सवाल करता हूँ, अब इस फॉर्मूले को देख करके मुझे बताओ कि मैं तुमसे पूछूं अगर वन प्लस कॉस थीटा क्या होगा, वन प्लस कॉस थीटा इसको देख करके बताओ वन प्लस कॉस थीटा क्या होगा, गलत, टू कॉस थीटा क्यों होगा, और लॉजिक लगाओ थोड़े से भाई, देखो हो क्या रहा है बच्चों, यहां पे आपने डबल एंगल दिया टू थीटा, डबल एंगल पर आपको क्या मिला सिंगल एंगल, मतलब जितना दे रहे हो उसका जस्ट आधा मिल रहा है, तो अगर वन प्लस कॉस थीटा दे रहे हो तो आपको थीटा का क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, सो आपके पास क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, आया समझ में, फिर से देखो इधर 2 थीटा दिया ना बेटा, 2 थीटा दिया यहाँ कि नहीं दिया, 2 थीटा का हाफ कितना है थीटा, तो थीटा का हाफ क्या होगा थीटा बाई 2, 2 थीटा पर आपको थीटा मिलेगा, दो चीजों पर एक चीज मिल रही तो एक चीज पे कितनी चीज मिलेगी आधी, सो 2 थीटा पे 2 थीटा मिला तो थीटा पे क्या मिलेगा थीटा बाई 2, ठीक है नोट करो। So 1 plus cos 2 थी, 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2, और 1 minus cos theta क्या होगा बोलो, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो थीटा किसका है, साइन का है बस, और किसी के साथ नहीं है, ये वो यूनिटरी मेथड वाला यूज नहीं होता वो प्रिंसिपल है ना,
हाँ कि थीटा अपॉन में चला जाएगा, एस टू अपॉन में चला जाएगा, नो ऐसा नहीं, इसको ऐसे देखो, डबल एंगल के लिए आपको मिल रहा सिंगल एंगल, तो सिंगल एंगल के लिए क्या मिलेगा आपको, हाफ एंगल, ठीक है, सिंगल एंगल के लिए तुम्हें मिलेगा हाफ एंगल, तो टू थीटा आएगा यहाँ पे, तो इधर कितना आएगा, थीटा बाई टू। हाँ भाई क्या हो रहा, पिक्चर क्लियर हो रही कुछ ही नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। देखो ये तो मान के मत बैठो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, पहली चीज, ठीक है, ऐसे बिल्कुल मतलब मान के मत बैठो। अभी तुम कहाँ से जुड़े, यहां से, तो ये लोग बस ये समझ के रटना है, बट आपको भी याद करना ही पड़ेगा, तो बस ये फॉर्मूला है इसको याद कर लो अभी के लिए। दो क्लास आपकी छूट गई है, थोड़ा सा असर रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो 1 cos 2θ का फॉर्मूला 2 cos²θ, और 1 cos 2θ का फॉर्मूला 2 sin²θ, आया कहाँ से, ये अभी प्रूफ कराया मैंने। अब आपका ये प्रूफ अगर चला गया तो छोड़ दो, या तो मेरे को तभी बताना था तो भी बता देता मैं, ठीक ना, कि कैसे प्रूफ हुआ। अब इसको अगले से देखेंगे, तो 1 cos 2θ का फॉर्मूला 2 cos²θ, 1 cos 2θ का 2 sin²θ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो रट के जाएंगे उनके भी उतने ही नंबर आएंगे, और जो बिना रट के प्रूफ करके जाएंगे उतने भी उतने ही नंबर आएंगे, तो इसलिए रट लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद हो जाएगा बड़े आराम से। 1 cos 2θ = 2 cos²θ, 1 cos 2θ = 2 sin²θ, ठीक है ना, मतलब प्लस में कॉस, में कॉस टूटेगा और माइनस में साइन टूटेगा, ऐसे याद कर सकते हो। चलो अब अगला सवाल लिखो, लिखो फाइंड द फॉर्मूला फॉर टेन टू थीटा। अब यहां से थोड़ा फोकस करना तुम, क्या नाम लिखते हो, अर्षद, अक्षत, ठीक है, अब फोकस करना थोड़ा सा है, अब देखना, टेन टू थीटा लिखो क्वेश्चन, फाइंड द फॉर्मूला फॉर टेन टू थीटा, फाइंड द फॉर्मूला फॉर टेन टू थीटा। देखो हम तो उसी तरीके से पढ़ाएंगे ना कि 11th पढ़ा रहे हैं, हम तो ये नहीं समझेंगे, मतलब जानते हैं कि एक साल थोड़ी सी पढ़ाई डैमेज हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से, और बच्चों के बेस जो हैं बहुत तरीके से बिगड़े हैं, मगर अब हम इतने वर्षों से 11th पढ़ा रहे हैं, तो हम तो उसी तरीके से उसी पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं जैसे हमें लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बताओ, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ, टेन टू थीटा, तो टेन टू थीटा कैसे निकलेगा, तो टेन टू थीटा मीन्स टेन ऑफ थीटा प्लस थीटा। ओके सर, टेन थीटा प्लस थीटा ये लिख सकता हूँ सर, कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, कल बताया था मैंने टेन ए सर प्लस बी टू का टेन फॉर्मूला। थीटा अपॉन 1 - 10²θ। वेरी गुड बेटा, एक जवाब आ चुका है देखिए यहाँ पे। सो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस बी, टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - 10a ((10b)। ये 10a + b = 10a + 10b/(1 - 10a)((10b)। अब यहां पे एक ही प्लेस के भी थीटा पुट करो। अब देखो लॉजिक पकड़ो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए, 2θ चाहिए ना, मतलब ए बी है थीटा और बी भी है थीटा, बस इतना सा पकड़ लो लॉजिक। आया समझ में कि नहीं आया, अक्षत, ए बी थीटा और बी भी क्या है, थीटा, तो बस जहां ए है वहां भी थीटा रखो, बी की जगह भी थीटा रखो, बन गया फॉर्मूला। तो टेन ए के प्लेस पे भी थीटा, बी के प्लेस पे भी थीटा, तो यहां पर क्या आ गया, टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - 10θ ((10θ)। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 tan θ / 1 - 10²θ। नोट करो, सो टेन टू थीटा का फॉर्मूला 2 tan θ / 1 - 10²θ। टेन टू थीटा इक्वल टू 2 tan θ / 1 - 10²θ। ठीक है, क्लियर, रफ कर रहा हूं ये। चलो ये हो गया, अब इसी लॉजिक को लगा करके बोलो अक्षत, अगर टेन टू थीटा ये है तो टेन थीटा क्या होगा, ये बताओ, अगर टेन टू थीटा ये है तो टेन थीटा क्या होगा, बोलो, अभी सिखाया था,
उसी के बेस पे बोलो। बोलो बोलो, गलत बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, गलती ही बोलो। देखो फिर से वही लॉजिक, अगर मैं टू थीटा दे रहा हूं टेन का एंगल, तो टू थीटा किसमें ब्रेक हो रहा है बेटा, थीटा में। मतलब डबल एंगल के लिए मेरे को मिलता है सिंगल एंगल, दो चीजें देता हूं तो एक चीज मिलेगी, तो एक चीज पे मुझे कितनी चीज मिलेगी, आधी चीज। डबल क्यों मिलेगी, हाफ मिलेगी ना बेटा, दो पे एक मिल रही तो एक पे क्या मिलेगी, आधी। सो कितना हो गया, टू टेन, थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। नोट कर ले, टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो क्वेश्चन, ये मतलब फॉर्मूला लिखो बच्चों, लिखे फॉर्मूला टू साइन ए कॉस बी। अगला फॉर्मूला टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस बी का। अगला फॉर्मूला लिखो टू कॉस ए कॉस बी। अच्छा ये फॉर्मूले क्या फॉर्मूले कहलाएंगे, ये देखो इधर पे क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट में है और इधर पे किस में आ गए, सम में। तो इनको मैं बोल सकता हूं, इन फॉर्मूले का नाम है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, तो ये प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला है। तो टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। जो कल मैंने पढ़ाया ना, कल वाली पढ़ाई से ये डिराइव हो जाएंगे। तो टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, ये दो फॉर्मूले। एक और है टू साइन ए साइन बी, क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नोट करिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, टू साइन ए साइन बी। 45, 15, 30, 60, ठीक। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन लिखो, फाइंड फाइंड साइन 15 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 15। चलो साइन 15 और कॉस 15 का प्रोडक्ट फाइंड करो। कॉस 15, साइन 15, कॉस 15 का प्रोडक्ट फाइंड करो। सोचो क्या क्या कर सकते हो, सोचो। दो चीजें, तीन चीजें, तीन तरीकों से इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हो। एक कैसे निकाल सकते हो, कल वाले बच्चों ने, जिन्होंने कल क्लास ली, उनको मैंने साइन 15 और कॉस 15 दोनों की वैल्यू निकलवाई थी, याद है। कल की क्लास में मैंने साइन 15 और कॉस 15 दोनों वैल्यू निकलवाई थी, तो वो एक घटिया मेथड है कि सर साइन 15 और कॉस 15 रख दो, दोनों को सॉल्व कर दो, वैल्यू निकाल लो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मैंने उसको घटिया क्यों कहा, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं टाइम कम लगे और आंसर तो आना ही है, जल्दी आए, इसलिए उसको घटिया मेथड कहा। अब जल्दी वाला मेथड क्या है, जल्दी वाला मेथड ये है कि कल मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था और आके आज भी क्लास में पहले वो फॉर्मूला मैंने आपसे बोला, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ये मैंने फॉर्मूला आते ही बोला कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a, ठीक है। जरा देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन a है, कॉस a है, यहां एंगल दोनों सेम है, एंगल दोनों
सेम है, मतलब कुछ तो मिल रहा है, मतलब साइन ही दिख रहा है और कॉस ही दिख रहा है। कमी किस चीज की है? टू की। कमी किस चीज की है? टू की है। तो मैथ्स कहती है कि भैया आप अगर टू मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बड़े प्यार से टू का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आपने यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई किया और टू का नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो टू का डिवाइड कर दोगे, अब ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर को देखो, ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर क्या बन रही है, टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए, और टू साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है, अगर इधर से इधर देखो तो साइन टू ए की, देखो टू साइन ए कॉस ए, इधर से इधर जाओगे तो किसके इक्वल है, साइन टू ए के इक्वल है। तो ये क्या बन गया, साइन टू, और ए की वैल्यू कितनी डिग्री है, 50 डिग्री, और डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना हुआ, साइन, साइन 15 का डबल कितने डिग्री, 30 डिग्री, डिवाइड बाय 2, आंसर 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर नोट करिए 1/4, नोट करिए 1/4, और नहीं आया समझ में तो प्लीज पूछो, चुप रह रहे हो ना, फिजिक्स में चुप रहने से कुछ काम नहीं बनेगा। चाहे तुम्हारे फिजिक्स पढ़ने का पहला दिन हो या आखिरी दिन, अगर तुम चुप रह रहे हो तो तुम्हारे काम नहीं बनने वाले, तुम केवल परेशान ही हो सकते हो फिजिक्स में चुप रहने से, डिस्कशन करो तो फिजिक्स सही रहेगी, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये टू से टू कैंसिल नहीं होगा, हमारे जमाने में तो कैंसिल हो जाता, देख बेटा ये 1/2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, ये एक्चुअली क्या है, देखा करो, अभी इसमें कंफ्यूजन रहता है, देखो ये 1/2 है और होल बाय 2 है, समझ गए, ये 1/2 है और डिवाइड बाय 2 है, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या बन जाएगा, ये 1, तो ये 1/2, ठीक है ना, और जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आ गया, 1/4, नोट करो, सो ये 1/4, तो साइन 2a का फॉर्मूला लग गया और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो अब देखो ये हो गया। अब सर एक मेथड तो बताई मैंने, कौन सी वाली, कल डायरेक्ट पुट करने वाली, तो कल की डायरेक्ट पुट करने वाली मेथड अभी मतलब ऐसे बता दी, ओरली बता दी मैंने, पुट नहीं किया। कल आपको पता है कि साइन 15 की वैल्यू कॉस 15 की वैल्यू मैंने निकलवाई थी, ठीक है ना, चलो उस मेथड से भी देख लो कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा है, देख लो कि शायद 4 कहीं तुक्के से तो नहीं आ गया 1/4, चलो उस वाली मेथड से चेक कर लेते हैं। हमें करना क्या है, टारगेट क्या है, साइन 15 और कॉस 15 का मल्टीप्लाई फाइंड करना, सो हमें फाइंड करना है साइन 15 इंटू कॉस 15, देखो साइन 15 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 15, कल वाली मेथड, साइन 15 की वैल्यू कल जिन लोगों ने करी है, साइन 15 की वैल्यू मैंने निकलवाई थी, क्या है मुझे तो याद है, √3 - 1/2 √2, ये होती है साइन 15 की वैल्यू, देख लो कॉपी के पन्ने पलट के, √3 - 1/2 √2 है साइन 15 की वैल्यू, यही है बेटा। कॉस 15 की वैल्यू भी कल निकलवाई अपन ने, √3 + 1/2 √2, ये है। चलो सॉल्व करें, ऊपर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला लग जाएगा a² - b², तो a की जगह √3 है, तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 दो बार है ना, तो होल स्क्वायर कैसे खोलेगा, देखो पहले 2 का स्क्वायर खोल दो 4, फिर √2 का स्क्वायर खोलो। बेटा यहां देखो क्या जरूरत है कॉपी में देखने की, लिख दिया ना, तुम भी लिख लेना अभी, बस पढ़ लो फिर बाद में देखना आराम से। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 × 2 कितना हो गया यहाँ पे 8, क्यों भाई अक्षत, भाई बताओ ऐश्वर्य समझ में आया 8 कैसे आया, यस सर, 2√2 का होल स्क्वायर 8, √3 का स्क्वायर बोलो कितना होगा 3 माइनस कितना 1 अपॉन कितना 8, इधर आ गया 2/8 बोलो कितना आया 1/4, तो यार कल वाली मेथड से भी आ गया, कल जिन बच्चों ने वैल्यू निकाली थी साइन 15 कॉस 15 साइन 15 कॉस 15 की, वो इससे आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी मेथड,
अब तीसरी मेथड की बात करूं कि तीसरी मेथड कैसी है, तो तीसरी मेथड मतलब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ए ले लो पहला एंगल और बी ले लो दूसरा एंगल और ये वाला फॉर्मूला लगा दो, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू, देखो ना टू साइन ए कॉस बी, अभी पहले नोट करो आराम से इसको फिर बताता हूं, आ गया समझ में? रेसिप्रोकल आइडेंटिकल हो गई छह, वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वन, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लिखने का तो सबसे बेस्ट तरीका मैं कहूं ऐसे लिखा करो, छह फॉर्मूले लिखने से अच्छा है सीधे ऐसे लिखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन, अब साइन को रोक लो तो कोसेक नीचे और कोसेक को रोक लो तो साइन नीचे, दूसरी आइडेंटिटी लिख लो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन, ये तीन है रेसिप्रोकल फॉर्मूले, बस ये याद कर लो, इनसे छह के छह निकल आएंगे, ठीक है ना, साइन ऊपर तो कॉसेक नीचे, कॉसेक ऊपर तो साइन नीचे वन के, टेन ऊपर तो कॉट नीचे, कॉट ऊपर तो टेन नीचे, सेक ऊपर तो कॉसेक नीचे और कॉसेक ऊपर तो सेक नीचे, हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो सर, नीचे कॉस और सेक आएगा ना नीचे, यहाँ पर सेक है और कॉस है भाई, हाँ भाई बिल्कुल सही, अक्षत अक्षत जुड़ा करो भाई, गुड इवनिंग बोला करो यार, पता तो चल जाए कौन कौन जुड़ गया, अब भी क्लास खत्म हुई मैं अभी आया तुरंत, अच्छा 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 यस सर, परी आंचल को मैसेज करो जुड़ गई आंचल, यस सर, बेटा लेट क्यों हो गई तुम, सर वो मैं लेट हो गई थी, चलो ठीक है, देखो वो ऐप दे दिए अपन ने केमिस्ट्री का, जिनका जिनका इशू हो रहा है वो भैया ऐप में आईआईटी जेई लेवल के टीचर्स हैं, एक बार देख लो, मन करे तो फिर सोच सकते हो, ठीक ना, तो इशू खत्म हो जाएगा भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये पूरी आपकी दिक्कत ना हो टाइम आइन की, है ना, और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए हम तैयार हैं, यदि एक्स्ट्रा टाइम कोई टॉपिक छूट जाता है तो उसको बता सकेंगे, चलो खैर, तो यार अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, इस वाले फॉर्मूले में दो तरीके तो मैंने बता दिए, एक मैंने बता दिया टू साइन ए करके, बोलो क्लियर, सेकेंड वाला फॉर्मूला ये आ गया, अब तीसरा वाला फॉर्मूला इसको लगा करके देख लो, चलो लगाते हैं, अब आप मुझसे कहोगे सर वैल्यू तो आप साइन 15 कॉस 15 की बोल रहे हो, टू तो हमारे पास है नहीं, हम कहां से लेके आए, अरे यार मैथ्स में टू की चिंता मत करो, किसी कांस्टेंट की चिंता तुमको नहीं करनी है मैथ्स में, इतना बढ़िया फैसिलिटी दी गई है कि जो मल्टीप्लाई करो वो डिवाइड करो, कभी कोई कांस्टेंट है नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, देखो क्वेश्चन क्या है, साइन 15 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 15, ओके, देखो दर्शन करो, ए की जगह पे 15 बैठा है, बी की जगह की कौन बैठा है 15, दोनों अलग अलग होने थे, एक हो गया कोई दिक्कत नहीं, होने दो, सर क्या नहीं है, टू नहीं है, कैसे लगाऊं फॉर्मूला, तो टू ले लो, ये लो टू का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, बस कुछ नहीं हिसाब बराबर करने के लिए टू का डिवाइड कर दो और सॉल्व कर दो, तो 1/2, चलो अब लगाओ फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लगाइए फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, ए की जगह कौन 15, बी की जगह कौन 15, प्लस साइन ए माइनस बी, ए की जगह भी 15, बी की जगह भी 15, 1/2, अब थोड़ा लॉजिक जल्दी जल्दी करा करेंगे अपन, दिमाग जितना तेज होगा, पेन जितनी कम चलेगी दिमाग उतना ज्यादा चलेगा, 15 प्लस 15 30, ठीक है ना, 15 प्लस 15 30 और साइन 30 का कितनी वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, ठीक है ना, एंड साइन 15 माइनस 15 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 इक्वल टू 0, तो कुछ भी नहीं, खेल खत्म, तो आंसर 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4, आप जितने मल्टीपल स्टेप्स अपने दिमाग में करोगे बड़े एग्जाम उतने अच्छे निकाल पाओगे, लिखने की आदत डालोगे स्कूल में तो नंबर आ जाएंगे मगर बड़े एग्जाम में फंस जाओगे, तो कोशिश करो कि मल्टीपल स्टेप्स अपने दिमाग में हो, जैसे कैसे 2 साइन 15 कॉस 15 दिमाग लगाया, 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, अच्छा 15 प्लस 15 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एक टू बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है और 15 माइनस 15 0, मन में ही आंसर दे डाला 1/4, ये आदत बनाओ, बड़े एग्जाम निकालने हैं, ठीक है ना, स्कूल से क्या होना है, चलो ठीक है क्लियर, हाँ भाई बोलो, दो अक्षत है यहाँ पे, एक ऑनलाइन पढ़ रहे एक ऑफलाइन, अक्षत क्लियर,
यस सर। चलो ठीक है भाई, हो गया ये। तो ये अपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जितने मैंने शीट में दे रखे हैं आप लोग को, कंप्लीट हो गए क्या? एक और बचा है, एक और बचा है, लिखो लिखो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, सम टू प्रोडक्ट। अगला लिखें सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट फिजिक्स की थ्योरी शीट दोनों ग्रुप में पड़ी हुई है, दोनों बच्चे मैच कर ले, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली मैं पढ़ा रहा हूं। थ्योरी शीट में जिस पैटर्न में दिया गया उसी के अकॉर्डिंगली। सम टू प्रोडक्ट मतलब सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। कैसे? फॉर्मूला लिखिए, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। नोट करिए, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सर ऑटो फोकस बंद कर दीजिए, बार बार ब्लर हो जाता है कादर बीच में। ये ऑटो फोकस बंद करने का कोई तरीका होता है क्या? अच्छा, इसमें बहुत तरीके होते हैं सर। कैसे कर सकते हैं बताओ? अभी अभी तो जैसे मीटिंग चालू हो गई है, जब मीटिंग बंद होती है ना तब बता दूंगा मैं। अच्छा, जूम से ही हो जाता है ऑटो फोकस बंद? जूम से भी हो जाता है और सेटिंग में भी हो सकता है, लेकिन क्या सेटिंग से करोगे तो फिर ये जूम में कैमरा खराब हो जाएगा, तो अभी चलने दो ऐसे ही। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। देखो साइन सी में प्लस में है तो ये प्लस प्लस का सपोर्ट करेगा, साइन सी साइन डी प्लस में है ना, नहीं समझे? ये देखो साइन में सी और डी एंगल किस में है? प्लस में है, तो यहाँ पे साइन देखो प्लस का सपोर्ट कर रहा है और कॉस किसका सपोर्ट कर रहा है? माइनस का। साइन में दोनों एंगल किस में है बेटा? तो यहाँ पे साइन के साथ क्या आ रहा है और कॉस के साथ क्या आ रहा है? कॉस के साथ क्या आ रहा है? माइनस आ रहा ना बस, तो थोड़ा सा याद तो होगा ना, क्लिक कर रहा ना, बस यही तो है। अगला लिखो कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। चलो बताओ, साइन सी माइनस साइन डी इस पैटर्न को देख करके फॉर्मूले की भविष्यवाणी करो, साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा? साइन सी माइनस साइन डी, हाँ बिल्कुल सही, टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब साइन में माइनस है तो साइन में माइनस का सपोर्ट होगा, टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। नोट करिए, ये जितना मैं बेसिक मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहा हूं इनके पेजेस बना करके घर के सामने मतलब अपने स्टडी टेबल में लगा लीजिएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यूज होंगे और जितने आपके ये परफेक्ट रहेंगे फॉर्मूले आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। इनको कॉपी में नहीं रखना है, याद रखिएगा, इनको कॉपी में नहीं रखना है, इनको आपको अपने सामने रखना है, बिल्कुल याद हो जाइए। चलो ये हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री यहां पर फिनिश होती है आपके काम की। अगला लिखो टॉपिक बच्चों लॉगरिदम, अगला टॉपिक लिखिए लॉगरिदम, बेसिक मैथमेटिकल टूल नंबर मेरे ख्याल से चौथा है ये। वो कॉस कॉस सी माइनस कॉस डी की है, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। नहीं, साइन में यही है, ठीक है ना? लिखो, आपका बायो है मैथ्स है, मैथ्स में भी आएगी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? लिखो नेक्स्ट, अगला टॉपिक लिखिए लॉगरिदम, अगला टॉपिक लिखिए लॉगरिदम। अब लॉगरिदम है क्या पहले मैं बता देता हूं, लॉग बहुत जगह यूज होगा बच्चों आप लोगों को, बहुत जगह यूज होगा, केमिस्ट्री में यूज होगा,
फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथ्स में तो होना ही है, फिजिक्स मैथ्स में तो चैप्टर है। अब लॉगरिदम है क्या, पहले ये समझो, जैसे मैं ये कहूं कि 2 की पावर कितना कर दिया जाए कि आपको 16 मिल जाए, ये इस गोले के अंदर कितना भर दूं कि मुझे 16 मिल जाए, 4 लाइफ को ना ऑफ करना ना। हाँ ठीक है, लाइट पे क्लिक करेंगे, स्टॉप लाइट, फिर मैं वहां से फिर से लाइट। ठीक ठीक है, तो 2 की पावर में मैंने कहा कितना भर दिया जाए कि 16 आ जाए, आपने आंसर दिया बिल्कुल सही 4। अब इसी चीज को मतलब पावर निकालने के लिए लॉग का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये कहलाता है, ये जो चीज है ना इसको बोलते हैं बेस, और ये जो बात है ना इसे बोलेंगे इंडेक्स, इंडेक्स। अब समझो लॉग में इसको कैसे लिखेंगे, लॉग आपका जवाब देगा कि 2 की पावर करने पर, अगर 2 बेस की पावर करने पर आंसर 16 आ रहा है, 2 बेस पर अगर आंसर 16 आ रहा है तो क्या पावर रही होगी, बोलो आंसर कितना, 4। समझ गए, फिर से सुनो, 2 पर कितनी पावर कर दी जाए कि आंसर 16 आ जाए, बेस 2 की कितनी पावर 16 आएगा, 8 क्यों आएगा, 4 आएगा ना, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, तो बेस 2 पर 16 पावर चाहने के लिए, 16 वैल्यू चाहने के लिए हमको 2 को कितनी पावर से रेज करना पड़ेगा, 4 पावर से। तो बच्चों ये आपको पावर देता है, क्लियर की नॉट क्लियर, चलो क्लियर सर, ओके। अब एक चीज और करते हैं, देखो पहले नोट कर लो इसको, तो ये है बेस का मतलब, मतलब कैसे लिखेंगे इसको, अब इसको लॉजिकली समझो मैथ्स की भाषा में, मैथ्स की भाषा में समझो इसको, अगर इफ a की पावर n करने पर b आता है, ऐसे समझिए, इफ a की पावर n करने पर b आता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलो लो बिल्कुल आपकी सरल भाषा में, 2 की पावर 4 करने पर क्या आता है, 16। तो देखिए a की पावर n करने पर अगर b आता है तो मैं पूछूंगा कि log बेस a पर इंडेक्स b को मिलने के लिए मुझे कितनी पावर से रेज करना पड़ेगा, आंसर क्या जवाब मिलेगा, n। और यहां से देखो, यहां से मैं पूछूंगा log बेस 2 पर इंडेक्स 16 प्राप्त करने के लिए, टू गेट 16 एज एन इंडेक्स, हाउ मच टाइम आई हैव टू रेज 2, आंसर इज 4। सो ये है लॉगरिथमिक टूल, नोट कर लो सर, इसकी जनरल इक्वेशन log e बेस पे वाली बनेगी कि log a बेस वाली बनेगी, भाई ये a बेस वाली है, बेस कुछ भी हो सकता है, a बेस है, और जो e तो बेस 0 वाली होती है वो क्या होता है, e बेस नेचुरल लॉगरिथम है, अभी उसके एप्लीकेशन करा रहे हैं, चलो चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ क्वेश्चन देता हूं, लॉग 2 बेस पर 0.25, बताओ कितना होगा, 2 की कितनी पावर की जाए कि आंसर 0.25 मिल जाए, टू बेस पर कितनी पावर की जाए कि आंसर 0.25 मिल जाए, लॉग 2 बेस 0.25 इक्वल टू हाउ मच, -2, एक ऑप्शन आ रहा है, एक ने बोला भाई 1/2, एक बंदा बोल रहा है -2, सर 1/2, ओके चलो देखते हैं भाई, चलिए हमें किसकी पावर करनी है, 2 की पावर ना, हमें 2 की पावर देखते हैं, तो 2 की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 की पावर अगर मैं 0 करूंगा तो समथिंग की पावर 0 क्या होती है, पीछे चलो, 2 की पावर -1 करो कितना मिलेगा, 1/2, 2 की पावर -1 क्या होता है, 1/2, अच्छा पीछे क्यों जा रहा हूं, क्योंकि पावर छोटी हो रही है, ऊपर जो आंसर छोटा हो रहा है,
छोटा हो रहा ना, तो छोटे होने मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ, छोटी करनी पड़ेगी पावर्स। तो मैंने 2 की पावर माइनस 1 करी, अभी भी नहीं आया। अगर मैं 2 की पावर माइनस 2 करूं, ध्यान से देखो, तो 2 की पावर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 की पावर 2, एंड 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1/4, और 1/4 मतलब कितना, 0.25। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, कितना आएगा आंसर, माइनस ऑफ 2, मतलब 2 को मैं कितनी पावर से रेज करूंगा तो 0.25 आएगा, माइनस 2। नहीं आया समझ में, 2 को मैं माइनस 2 पावर से रेज करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.25। तो करेक्ट आंसर है माइनस 2। चलो नोट करो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में आपको, नोट करो। तो 0.5, अच्छा 1/2 कर रहे हो पावर, अगर माइनस 1 करोगे तो 1/2 आएगा। अभी कराता हूं क्वेश्चन, लिखो। सवाल है लॉग ऑफ 2 की पावर 0.5 कितना, माइनस 1, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 की पावर माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5, बिल्कुल सही आंसर, माइनस 1। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर कोई सरल मेथड नहीं है इसको करने का, इतना दिमाग लगवाओगे क्या, है, मगर पहले कठिन बता दूं फिर तो सरल की वैल्यू करोगे, है ना, तो पहले कठिन मेथड बता दें फिर अपन सरल वैल्यू की तरफ चलेंगे। चलिए, 2 की पावर 1/2, देख भाई 2 की पावर 1/2 का मतलब बेटा रूट 2 होता है, किसी की पावर 1/2 मतलब कितना, रूट 2। तो जो आपका सवाल है पावर 1/2 कब मिलता, तो मैं लिख रहा हूं लॉग 2 की बेस में रूट 2, ठीक है, लॉग 2 की बेस रूट 2, लॉग बेस 2 पर रूट 2, 2 का कितना पावर करोगे कि रूट 2 मिलेगा, 1/2, 2 का कितना पावर करोगे कि रूट 2 मिलेगा, देख बेटा 2 का पावर 1/2 कितना होता है, रूट 2, तो मुझे 2 का कितना पावर करना पड़ता, 1/2 करना पड़ा ना, तो अब आंसर यहां पे कितना आएगा, 1/2। फिर से सुनो, 2 की बेस में आंसर रूट 2 लाने के लिए 2 की पावर को कितने से रेज करना पड़ेगा, 1/2 से रेज करना पड़ेगा ना, क्लियर की नॉट क्लियर, नहीं हुआ क्लियर तुम्हें, हो गया ना, चलो अच्छे से नोट करो, समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। चलो तो आप सवाल का जवाब दोगी, अब लॉग 2 की बेस में 1 लाने के लिए बोलो आंसर कितना होगा, 2 की पावर कितना करूं कि आंसर 1 आए, 0, वेरी गुड, बिल्कुल सही, समथिंग की पावर 0 इक्वल टू 1, तो 2 की पावर में कितना करूं कि 1 आ जाए, आंसर 0, लॉग 3 बेस पर 1 लाने के लिए कितने पावर से रेस करना पड़ेगा, 0, लॉग 4 बेस पर 1 लाने के लिए कितने पावर से रेस करना पड़ेगा, 0, मतलब कोई भी नंबर हो बच्चों उसकी पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1। तो सवाल उठता है कि 1 लाने के लिए कितनी पावर से रेस करना पड़ेगा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो लिखो प्रॉपर्टी, लॉग का कोई भी बेस हो अगर आपको लाना है 1, तो आंसर आंख मूंद करके 0। तो इसको लिखते हैं प्रॉपर्टी को, लॉग 1 की वैल्यू क्या, 0। सर बेस कहां गया, अरे बेटा बेस जो भी है कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी बेस हो उसकी पावर 0 कितना होता है, 1। तो 1 लाने के लिए कितने पावर से रेस करना पड़ेगा, 0 पावर से। सर लॉग मतलब इंडेक्स अगर 0 हो तो उसका कोई आंसर है क्या, नहीं, नॉट डिफाइंड। चलो ये हो गया, अब लिखो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लिखिए लॉग बेस ए पर एम मल्टीप्लाइड बाई एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। पहली प्रॉपर्टी लॉग बेस ए पर, अच्छा बेस नहीं दिख रहा, ए लगा लो बेटा, लॉग बेस ए पर एम एन, एम इन टू एन इक्वल टू है ना लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, वो मैथ्स वाली प्रॉपर्टी एक्स की पावर एम प्लस एन इक्वल टू एक्स की पावर एम इन टू एक्स की पावर एन, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाता था? प्लस में। ऐसे ही यहां पर ये एम और एन का क्या है? मल्टीप्लाई। किस में बट गया? प्लस में। अगर मल्टीप्लाई प्लस में गया तो डिवीजन, तो डिवीजन किस में जाएगा? माइनस में। लिखिए लॉग बेस ए पर एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक, नेक्स्ट मैं आपसे सवाल करूंगा लॉग ए बेस ए, बोलो आंसर। बहुत ही सिंपल, ए को किस पावर से रेज करूंगा कि आंसर ही आ जाए? वन। बस one. कोई का बेस अगर सेम हो, इंडेक्स सेम हो तो आंसर वन, कुछ भी हो चाहे, अब चाहे वो वन हो टू हो, बस दोनों सेम हो तो आंसर आ जाएगा इतना। अगला लिखो फॉर फॉर्मूला, लॉग ए बेस पर एम की पावर एन, बेटा एन कूद करके आगे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा एन लॉग ए बेस एम। एन कूद करके आगे आ गया। अभी इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। लिखिए लॉग ऑफ टू बेस पर 1024 की वैल्यू क्या होगी? चलिए लॉग ऑफ टू बेस पर 1024 क्या होगा, मतलब टू की पावर कितने से की जाए कि 1024 हो जाए? 10। देखो जी कैसे करेंगे, एक तो तरीका है जो बच्चे जानते हैं कि सर जो 1024 होता है ना वो 2 की पावर 10 होता है, ठीक है ना, तो सर 10 पावर कर देंगे तो आंसर होगा 10। दूसरा तरीका, लॉग ऑफ बेस है 2, इंडेक्स है 2 और 1024 होता है 2 की पावर 10। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, देखो लॉग बेस ए में एम की पावर एन, एन कूद करके कहां आ जाएगा? आगे। तो ये जो 10 है ये कूद के आगे आ गया, तो 10 लॉग बेस भी 2 इंडेक्स भी 2, और अभी मैंने पढ़ाया बेस और इंडेक्स अगर सेम हो तो वैल्यू कितनी? 1। तो आंसर लिखो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 10। नोट करिए, हाँ हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, लॉजिक दौड़ाने वाली बात है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक, चलो अगला लिखो, लॉग ऑफ बेस टू, ठीक है ना, बेस टू और कितना कर दिया जाए, बेस टू 1/64, बेस टू पे 1/64, लॉग बेस टू 1/64। चलो करो भाई सॉल्व, लॉग बेस टू पे 1/64 -6 -4। चलो देखते हैं, देखो जी दो तरीके हैं करने के, एक तो पहला वाला फॉर्मूला ये लगा लो,
log a बेस पर m अपॉन n इक्वल टू log a बेस पर m माइनस log a बेस पर n. तो log a बेस पर ये ऊपर वाला है m और ये ऊपर वाला है नीचे वाला है n. तो log 2 बेस पर 1 माइनस log 2 बेस पर 64. बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो. log 2 बेस पर 1 माइनस log 2 बेस पर 64, क्या दिक्कत है भाई? log a बेस पर m अपॉन n, यही तो आइडेंटिटी लग गई, सीधे चपका दी मैंने आइडेंटिटी. अक्षत लिख सकते हो, क्लियर है कि मेरे वजह से हाथ सिर हिला रहे हो थोड़ा बहुत? देखो बेटा फिर से देखो, log बेस है 2 और 1 बाई 64, तो log 2 बेस पर 1 माइनस log 2 बेस पर 64. कहां पे दिक्कत आई बोलो अपने शब्दों में? राइट साइड में. log 2 बेस हो गया ये m अपॉन n, m अपॉन n. फॉर्मूले में देखो क्या बनता है, m माइनस n बनता कि नहीं बनता? देखो फॉर्मूले में m माइनस n बनता कि नहीं बनता? log बेस a पे m माइनस n, ये बैठा m, देखो ये m है और ये बैठा है n. देख लिया, आराम से मैच कर लो, हम रुके हैं. हो गया मैच? चलो अब ये बताओ, मैंने बोला है कि कोई भी बेस हो अगर इंडेक्स में वन दिया तो वैल्यू क्या होती है? जीरो. क्योंकि हाँ इंडेक्स में वैल्यू वन दिया है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो. माइनस अब log 2 बेस पर 64, रुको 64 के फैक्टर करो. 64 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64. मींस यू कैन राइट log बेस पे 2 है एंड 64 इक्वल टू 2 टू द पावर 6. बेटा 6 उछल करके आगे आ गया, सो 0, तो 0 खेल खत्म, माइनस लगेगा, 6 आगे आ गया एंड हियर इट विल बी 2 अपॉन 2. बोलो आंसर कितना? ये हो गया 1. बोलो आंसर कितना? माइनस ऑफ 6. नोट करो. माइनस 6, ठीक है ना? तो लॉग का क्या है, जबरदस्त टूल है, कोई भी पावर हो दे देगा आपको कि कितने पावर से रेस करेंगे, है ना? हाँ, 2 की पावर माइनस 6, वो जो आप कह रहे हो ना 2 की पावर माइनस 6 जाएगा. नहीं मैं बता देता हूं अभी, हाँ एम एन के टर्म्स में एग्जैक्टली, तब माइनस 6 में जाएगा. ठीक है बच्चों, बन गया? हाँ चल, समझ में आया बेटा कि उड़ गया? परी हेलो, अरे रिप्लाई करो. अक्षत यस सर. परी आंचल क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो, कहाँ हो? तो भाई ये बन गया माइनस 6. अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर इसके बाद आगे लॉग की प्रॉपर्टी हो गई पूरी? हाँ हो गई. एक और क्वेश्चन लिखिए. लॉग ऑफ 10 बेस पर 0.000001. चलो करो सॉल्व. जीरो पॉइंट जीरो 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 वन सर माइनस 6. परी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा. सर माइनस 6. हाँ चल, yes, कहाँ चले जाते हो भाई, क्लास में हो? यस सर. ओके, log 10 बेस पर 0.00001. हाँ कितना आंसर बोल रहे हो बच्चों, तुम लोग बोलो. माइनस 6, वेरी गुड, बिल्कुल सही, माइनस 6 है. देखिए कैसे करेंगे भाई, log बेस 10 है
और ये क्या है 0.000001, इसको ब्रेक करो, वन इधर आएगा डेसिमल के लिए वन, और काउंट कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1/10 लाख, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हो 1/10 लाख को, 10 लाख मतलब 10 की पावर 6, और ये भी ऊपर गया तो ये क्या बन गया 10 की पावर -6, तो मतलब ये जो पूरा का पूरा है ब्रैकेट के अंदर ये क्या है 10 की पावर -6 ही तो है। सो यू कैन राइट इट 10^-6, और अभी मैंने बताया है कि ये पावर कहां जाती है बाहर, सो -6 लॉग बेस भी 10 इंडेक्स भी 10, ये कितना हो गया 1, सो -6 × 1 आंसर देखो -6 बच्चों, ठीक ठीक है बेटा। 34, 12, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लॉग 12 बेस पर √3 × √4 की वैल्यू, लॉग 12 बेस पर √3 × √4 की वैल्यू बताइए। 1/2 सर, 1/2 लॉग 12 बेस पर √3 × √4, 12 की कितनी पावर रेज करेंगे कि आंसर आ जाए √3 √4, वन बाय टू, बिल्कुल सही करेक्ट। देखिए फॉर्मूला क्या पढ़े हो नाइन्थ क्लास में, पॉजिटिव वैल्यू के लिए √A × √B इक्वल्स टू √A × B, तो 3 × 4 लॉग 12 है तो क्या हो जाएगा √12, और √12 का मतलब कितना होता है 12 की पावर 1/2, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हो लॉग बेस पे 12 इंडेक्स पे 12 की पावर कितना 1/2, ये 1/2 कूद करके आ गया बाहर, तो 1/2 लॉग बेस भी 12 इंडेक्स भी 12 कितना हो गया 1, सो आंसर 1/2 × 1 = 1/2, है ना, ठीक क्लियर हुआ, समझ में आ गया, मिल रहा ना धोखा, है ना। ऐसे क्वेश्चन चालाकी वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, फुल चालाकी है ना, बहुत कुछ खास चालाकी नहीं है इनमें। चलो तो ये हो गई लॉग की प्रॉपर्टी, एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो बच्चों, लिखो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास लिखा है लॉग 3 बेस पर 2, ये लिखा हुआ है, बेस है 3 इंडेक्स है 2, ठीक है ना, बेस है 3 इंडेक्स है 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू जो आपका बेस हो वो बना लो, तो जैसे मान लो आपको इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे लॉग 10 बेस ऊपर 2 और लॉग 10 बेस नीचे 3, मतलब यदि बेस चेंज करना है तो ऊपर वाला इंडेक्स बनेगा ऊपर और नीचे वाली बेस बन जाएगी इंडेक्स, मतलब ये भी इंडेक्स बन जाएगा और ये भी इंडेक्स बन जाएगा और दोनों सेम ना सेम कोई ना कोई बेस आ जाएंगे। तो मतलब यदि मैं बोलूं फॉर्मूले की फॉर्म में कि अगर आपके पास लिखा है लॉग बी बेस बी तो आप किसको क्या लिख सकते हो लॉग एक्स बेस पर ए इंडेक्स अपॉन लॉग एक्स बेस पर बी इंडेक्स। भाई मैथ्स वालों के बहुत काम में आएगा, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, केमिस्ट्री में भी यूज होगा थोड़ा सा ये वाली प्रॉपर्टी, सीधे केमिस्ट्री में लॉग ई बेस को सीधे 2 बेस में कन्वर्ट कर देगा, तब आप बोलेंगे हे भगवान क्या हो गया ये, तब यही प्रॉपर्टी लगेगी वहां पे ई बेस रहेगा उसको 2 बेस पे कन्वर्ट कर 10 बेस पे कन्वर्ट कर देंगे। चलिए लिखिए नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज का साइन क्या है,
बच्चों एवरेज का साइन क्या है? ये है एवरेज का साइन, किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू लिखते हो तो एवरेज वैल्यू का साइन ये है, ठीक है ना। आप दिन के आधे समय में 100 रुपए कमाते हो और दिन के आधे समय में 100 रुपए खर्च कर देते हो बाकी समय में, ठीक है ना। सुबह 7 बजे उठे और शाम के 7 बजने तक 100 रुपए कमाए और 100 रुपए खर्च कर दिए, बताइए आपकी एवरेज आमदनी कितनी होगी? जीरो। आपकी एवरेज इनकम क्या होगी? जीरो, क्योंकि जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। तो ऐसी भाषा में थोड़ा एवरेज वैल्यू को समझो, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू क्या है? अब साइन का ग्राफ देखो बच्चों। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा इस मोड पे कि साइन का ग्राफ ऐसा क्यों आया, बस तुम याद कर लो, तुम्हें थोड़ी सी हिंट कर सकता हूं। साइन जीरो की वैल्यू क्या थी बच्चों? जीरो, ये तो पता होगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या थी? वन। मतलब जीरो डिग्री में साइन जीरो था और 90 डिग्री में साइन की वैल्यू क्या हो जाती थी? वन। तो ये देखो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, ये देखो, ये इसकी जिंदगी का एक साइकिल है और जितना ये आधे साइकिल में आधी जिंदगी में कमाता है उतना आधे में क्या कर देता? गंवा देता है। मतलब ये प्लस वैल्यू और ये माइनस। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि साइन थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होगी? बोलो। जीरो। तो लिखो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू जीरो। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको, छोटी छोटी चीजें हैं। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू जीरो। ठीक है, साइन का ग्राफ भी बना लो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? प्लस वन। कब? साइन 90 होता ना वन, ये तो नहीं भूले होगे। क्रिश कहीं पे डाउट है तो पूछना बेटा, चुप नहीं रहना। चलो ये हो गया साइन थीटा की एवरेज वैल्यू जीरो। अगला लिखो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू जीरो। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2। रट लो इसको। और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू जीरो, कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू जीरो, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2। अगला लिखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखो फॉर वेरी स्मॉल एंगल। अगर कोई एंगल बहुत स्मॉल है थीटा, स्मॉल मतलब इतना स्मॉल कि क्या बताऊं कितना स्मॉल, आप बनाते हो ना 1 डिग्री। 1 डिग्री तो बहुत है बच्चों, 1 डिग्री से बहुत कम एंगल, बहुत कम, बहुत ही छोटा एंगल। तो मतलब बहुत कम एंगल का मतलब लगभग जीरो के बराबर। तो जब कोई चीज जीरो के बराबर ना हो मगर जीरो के आसपास हो तो बेटा एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एरो सिंबल, टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। इस एरो को बोलते हैं टेंस, ठीक है ना। मैं कहूंगा व्हेन थीटा टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो, ठीक है ना, थीटा टेंस टू जीरो मतलब पलक झपकते ही, इतना कम टाइम है, इतना कम गैप है, इतना छोटा एंगल की पूछो मत। व्हेन थीटा टेंस टू जीरो तो कुछ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू याद कर ले बेटा। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के इक्वल। देन साइन थीटा इज नियर अबाउट इक्वल टू थीटा, ओके। कॉस थीटा इज नियर अबाउट इक्वल टू वन। बहुत छोटे एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू वन, और टेन थीटा की वैल्यू भी थीटा। ये सीधे रटने आप, नोट करो इनको। सर साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 कैसे आई है? देखो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 कैसे आई है, ठीक है। यस सर। ठीक।
हाँ कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है ना, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो कॉस जीरो इक्वल टू वन। अब साइन जीरो कितना होता है, जीरो, बट एक्चुअली अपन जीरो के पास में है, जीरो है नहीं, तो जीरो के पास में है तो जो दोगे वही मिलेगा, थीटा दोगे तो क्या मिलेगा, थीटा दोगे थीटा मिलेगा। अच्छा टेन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, टेन जीरो कितना होता है, जीरो, तो ऐसा समझो जो दे रहे हो वही मिल रहा है, तो थीटा दोगे तो क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ये मेमोराइज करने आपको है, मतलब डायरेक्टली यूज होगा फिजिक्स में। जैसे अभी मैं एक आएगा आपके पास जब मैं आपको पेंडुलम पढ़ाऊंगा, पेंडुलम, तो पेंडुलम पढ़ाऊंगा, पेंडुलम देखो टिकटॉक करता ना पेंडुलम, तो उस समय क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि पेंडुलम को मैंने हल्का सा जर्क दिया, हल्का सा जर्क दिया, तो वहां फॉर्मूले में आएगा साइन थीटा, फॉर्मूले में क्या आएगा, साइन थीटा। तो वहां पर वो जो फॉर्मूले में थीटा आएगा साइन थीटा, उसको आप अप्रोक्सीमेट करके क्या मानोगे, थीटा मानोगे। क्लियर हुआ मेरी बात, समझ में आई, अप्रोक्सीमेट करके थीटा मानोगे। चलो चलिए अब अगला टूल है, टाइम बचा है कि नहीं बचा, चलिए टाइम हो गया मैथ इसका, फिजिक्स का फिनिश करते हैं। हाँ अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग अगले दो टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आएगा, दैट इज कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वो सबसे जबरदस्त टूल यही है, मतलब इस चैप्टर का 75% वेटेज वही है, और ये जितना मैंने पढ़ाया इन तीन दिनों में ये इसका 25% वेटेज है। क्लियर है, तो अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका कैलकुलस पढ़ेंगे। इसके जो भी क्वेश्चंस हो, जिस भी बुक से आपको लगाना हो लगाइएगा, कोई डाउट है इस वीक में तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, देखो डाउट पूछना पड़ेगा है, कोई चीज ना आए समझ में तो बताना पड़ेगा मेरे को, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, अभी मिलते हैं मैथ्स वाली क्लास में भाई, 5 मिनट के बाद रेडी रहिएगा सब लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।